राजनांदगांव जिले में एक निजी होटल के पास नाले में एक युवक का शव मिलने का मामला सामने आया है। दरअसल ये मामला लालबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत है, जहां रेवाड़ी नाला में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकाला। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान वहीं के रहने वाले 35 वर्षीय राजेश साहू के रूप में की गई है। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक शराब के नशे में था और नाले के ऊपर बैठा हुआ था, तभी उसका संतुलन बिगड़ने से वह नाले में गिर पड़ा, जिसके चलते नाले में डूबने से उसकी मौत हो गई। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल दिनांक को राज इम्पीरियल के आसपास से फोन आया कि करीब 11 बजे 11:30 बजे फोन आया कि एक व्यक्ति जो है नाले में मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। जाकर तस्दीक किए जो रेवाड़ी का राजेश साहू, उम्र करीब 35 वर्ष का होना पाया गया, जिससे उसके परिजनों को तलब कर पंचनामा कार्रवाई कर पीएम कराया गया है। पीएम रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला हुआ है, जांच जारी है। वो अपने घर से निकला था, लापता था। उसके घर वाले बताए कि परसों रात में खाना वाना खाने के बाद शराब के नशे में था और ऐसे घूमने के लिए निकला हुआ था रात में करके।